हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मोनिकास किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ सूजी का बहुत ही टेस्टी नाश्ता, सूजी उत्तपम। आओ देखते हैं सूजी उत्तपम कैसे बनाया जाता है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये मैंने 2 कटोरी सूजी ली है, इसमें डालूँगी मैं 1 कटोरी दही। इसी कटोरी से मैंने सूजी ली है, इनको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। इसमें ऐड करूँगी मैं 1/2 गिलास पानी, को अच्छे से मिक्स करूंगी। और सूजी को मैं ढक के 1/2 घंटे के लिए रख दूंगी, जिससे कि सूजी फूल जाए। अब मैं सब्जियां चॉप करूंगी। सब्जियों में मैंने लिया है बीन्स, गाजर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी और हरी मिर्च। इनको मैं 1 मिनी चॉपर में अच्छे से चॉप कर लूंगी। आप इसमें अपनी पसंद की और सब्जियां भी ऐड कर सकते हो। कर लिया है। लास्ट में मैं ऐड करूंगी इसमें पत्ता गोभी, क्योंकि पत्ता गोभी जल्दी से क्रश हो जाती है, इसलिए मैं इसको लास्ट में डालूंगी। इनको मैंने फाइनली चॉप कर दिया है, एकदम फाइन। मैं डालूंगी इसमें 1 बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा नमक, काली मिर्च 1/2 चम्मच। इन सबको मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। अब मैं सूजी चेक कर लेती हूँ। सूजी अच्छे से इसमें फूल चुकी है। अब मैं इसमें 1/2 गिलास पानी और ऐड करूंगी। इसका घोल थोड़ा पतला करूंगी, अच्छे से मिक्स करूंगी। मैं इसमें डालूंगी 1/2 चम्मच नमक, इसको भी मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। अब जो ये सब्जियां हैं इनको मैं 2 हिस्सों में लूंगी। 1 कटोरी में मैं थोड़ा सब्जी अलग कर लूंगी, उसमें डालूंगी मैं मेयोनीज, रेड चिली मेयोनीज। इसको मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। अब मैंने गैस में एक पैन रखा है, पैन में मैंने ऑयल लगाया है। अब मैं इसमें डालूंगी सूजी का बैटर जो हमने बनाया था, थोड़ा थोड़ा करके। मैं इसको एकदम पतला नहीं करूंगी, थोड़ा सा मोटा ही रखूंगी, जब हम इसमें इसको डोसे की तरह बनाएंगे, ये मिनी उत्तपम टाइप के। ये देखिए हमारा डो एकदम परफेक्ट रेडी है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे बबल्स आ रहे हैं, तो समझो हमारा डो एकदम परफेक्ट रेडी हुआ है। अब मैं इसके ऊपर लगा दूंगी सब्जियाँ। सबसे पहले मैंने ये मेयोनीज वाली सब्जी लगाई है फर्स्ट उत्तपम में। ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी और बहुत हेल्दी भी होता है, और बच्चों को ये बहुत पसंद होता है। आप इसको सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, या चटनी के, हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। इसको मैं ढक दूंगी 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे, जिससे कि नीचे से तो ये क्रंची रहे और ऊपर से सॉफ्ट रहे। अब मैं इसको निकाल लूंगी एक प्लेट में, और इसी तरीके से मैं दूसरा भी डाल देती हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी प्लेन सब्जी, जिसमें मैंने सिर्फ नमक और काली मिर्च मिलाई थी। इसको भी मैं ढक के 2 से 3 मिनट तक सिम आंच पे रखूंगी, मीडियम फ्लेम पे। मैं इसे चेक कर लेती हूँ। ये अभी थोड़ा सा पका नहीं है नीचे से, तो मैं इसको 2 मिनट तक और रखूँगी। और अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। इसी तरीके से मैं सारे उत्तपम बना दूँगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।